हेलो गाइज, सुशांत सिंह राजपूत से ही कनेक्टेड एक और बड़ी और शॉकिंग न्यूज आ रही है। जैसा गाइज आप सबको पता है कि कल जो है 15 थी, यानी कि हर महीने की 14, 15, 16, ये जो है हर महीने की तारीख, जैसा कि पिछले काफी महीनों से हो रहा है जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, उसके बाद आप हर महीने की 15 या 16 को, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्शन रखे या ना रखे, लेकिन अगर उसका बॉलीवुड से कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं उसकी डेथ होनी निश्चित है। और हर महीने की ये डेट 14, 15 और 16 आप चाहे देख लें, जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है हर महीने किसी न किसी की डेथ की न्यूज आती ही है। और अभी एक और न्यूज, ऐसी ही सैड न्यूज आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवीज थी, उसमें जो है सरदार का रोल प्ले करने वाले संदीप नहर की डेथ हो गई है। और उनकी जो डेथ हुई है वो एक सुसाइड के द्वारा डेथ हुई, उन्होंने सुसाइड किया है। और उन्होंने जब सुसाइड किया उससे पहले एक लाइव वीडियो अपलोड किया था फेसबुक पर, और उस वीडियो को गाइज अभी डिलीट कर दिया गया है, वहां से उनके फेसबुक पोस्ट से अभी डिलीट कर दिया गया है। अब किसने डिलीट किया, क्यों डिलीट किया, वो अलग चीज है, लेकिन अभी उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो फेसबुक वीडियो नई है या पुरानी है। क्योंकि उस वीडियो को जैसे ही वो उन्होंने कल सुसाइड किया, सुसाइड करने से पहले अपलोड किया था फेसबुक लाइव में, लेकिन उसके जस्ट बाद जो है कुछ देर बाद जैसे ही उनकी डेथ की न्यूज आई, जैसे ही पता चला कि उनकी उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वैसे ही उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ऐसे छोटी मोटी मूवीज नहीं, काफी बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया था, जैसे कि MS धोनी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, केसरी जो कि अक्षय कुमार के साथ में ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, उन सब बड़ी बड़ी मूवीज में इन्होंने रोल प्ले किया है। उसके बाद भी इन्होंने लाइव वीडियो में उन्होंने काफी कुछ बोला बॉलीवुड के बारे में, उन्होंने बॉलीवुड के बारे में बोला कि यहाँ पे पार्शियलिटी होती है और बहुत ही ज्यादा जो न्यू एक्टर है या जो कि आउटसाइडर है उनको डीमोटिवेट किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है। उन्होंने अपने लाइव वीडियो में काफी कुछ बोला, उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये काफी बड़ी और शॉकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि हर एक महीने की 14 या 15, 16 को किसी न किसी की डेथ हो ही रही है जो कि बॉलीवुड से कनेक्टेड है। गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।